हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैंने सोचा कि कुछ नया आपको कुछ टिप देता हूँ। एंड देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास 500 cc, इन्होंने मेरे को घर पे बुलाया था। देखिए 276 किलोमीटर चल रखी है। कारण सुबह स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, 500 cc। अक्सर गाड़ी सुबह ठंडे के टाइम पे ये 500 cc दिक्कत करती है। इसका रीज़न EFI सिस्टम होने के साथ साथ क्या होता है, इसका इसके अंदर जो EFI लगा रहता है वो सुबह टेम्परेचर को नापता है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग उसका तेल ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेल इंजन को भेजता है, तो वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके पास है तो उसको थोड़ा देर धूप में खड़ा रहने दीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट करिए, गाड़ी एकदम स्मूथ स्टार्ट होगी। और 5 मिनट उसको स्टार्ट खड़ा रहने दें। दूसरा कारण, सुबह जब आप स्टार्ट करते हैं और गियर डालते हैं तो गाड़ी एकदम आगे को जाने लगती है। जब हम सुबह पहले टाइम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, या गाड़ी गियर में होती है, हम सेल्फ स्टार्ट या करते हैं और जैसे ही फर्स्ट गियर डालते हैं तो गाड़ी एकदम झटका मारती है और गाड़ी आगे को बढ़ने लगती है। इसका क्या सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यह है कि जब आप फर्स्ट टाइम गाड़ी को स्टार्ट करें तो गाड़ी को मेन स्टैंड लगाएं, और स्टार्ट करने के बाद क्लच दो तीन चार बार दबाएं और फर्स्ट गियर सेकंड गियर डालने, खड़ी गाड़ी पे गाड़ी का टायर रमा फ्री 2-4 राउंड लेने चाहिए और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तीसरा, गाड़ी जब नई गाड़ी ले रखी होती है तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं? आपके पास एक नई रॉयल इनफील्ड है, ध्यान में रखने वाली क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज, जब गाड़ियाँ नई गाड़ी है तो कुछ लोग कहते हैं न्यूट्रल चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, तो मेरा मानना है गाड़ी चला सकते हैं आप न्यूट्रल, पर जब हम ब्रेक लेते हैं तो दोनों एक साथ लेने चाहिए, क्योंकि पिछले ब्रेक क्लासिक गाड़ी है, मतलब जितने भी ये हैं पिछले ब्रेक की शिकायत बहुत है कि पिछले ब्रेक बहुत जल्दी घिस जाते हैं। उसके कई रीज़न हैं, अगले रीज़न में बताएंगे। और जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसको घर पे एक बार अच्छे से चेक कर लें कि कहीं कोई नट बोल्ट कम तो नहीं है। देखिए, यहाँ मेरे को एक नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक नट बोल्ट कम है। देखिए, यहाँ लगा है, यहाँ पे भी लगा है, पर यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। क्लच, ज़्यादातर गाड़ियों की में यहाँ पर क्लच हिलता है और इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल रखा है, तो बहुत जल्दी कुछ निकलेगा, हम बताएंगे आपको। तो यही सब कुछ है, जहाँ तक का हो सके आप ट्राई करें कि किक मार के स्टार्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा, गाड़ी की बैटरी की लाइफ बढ़ेगी और सेल्फ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ आपको छोटी मोटी जानकारियाँ मिली होंगी। थैंक यू, बाय बाय।